भिवानी के गांव कितलाना निवासी आत्महत्या के मामले में न्याय न मिलने और दोषियों की गिरफ्तारी न होने से परेशान पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे। वहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक को अपना एक मांग पत्र भी सौंपा। दरअसल मृतक के दादा लीलू राम और भाई देवेंद्र ने कहा कि उनका 25 वर्षीय पोता दिनेश, जो कि मजदूरी का कार्य करता था, उस पर कुछ लोगों ने गहने चोरी करने का झूठा इल्जाम लगा दिया, जिसके चलते उसने दबाव में आकर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने बताया कि इस बारे में उन्होंने पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वही इस मामले को लेकर कई बार पुलिस से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन मामला जस का तस बना हुआ है। एसपी साहब से मिलने आए हैं। किस काम के लिए आए, क्या मामला? मेरे भाई के सुसाइड कर लिया था 7 तारीख को। 7 तारीख कौन से मिले? 7/3 को जी। क्या मामला था, क्यों सुसाइड किया था? पूरा झूठा आरोप लगा दिया जी, गाँव के कुछ है। किस चीज का? गहने चोरी का। अच्छा, दोषी ने खुद उसका भाई पाएगा। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, 1 महीना हो गया गाँव में पुलिस आई भी नहीं है। अब तक गांव में जाते हैं पुलिस के पास, वो धमकाई वापस भेज देते, जाओ ये ले आओ वो ले आओ। क्या कहते हैं पुलिस वाले आपको? पुलिस वाले स्पष्ट जवाब नहीं देते, वैसे धमकी देते थे, जाओ यहाँ से सबूत ले के दो, ये करके दो, वह कर दो, उनसे पूछो, उनको बुलाऊंगा, कल बुलाऊंगा, परसों बुलाऊंगा। और मैं कितलाने गाँव से आया हूँ, और जो है मेरा एक पोता था दिनेश नाम का, वो पोता जो है ना उस लेन देन के मामले में उसके ऊपर ऐसा प्रेस डाल दिया, झूठे आरोप लगा के गहने चोरी के, और जो ने और उसको इतना दबा दिया गया कि वो मरने को मजबूर हो गया, यानी उसको मरने के लिए मजबूर किया गया जो ना। उसके बाद में जो है सुसाइड कर लिया, उसके बाद में हमने जो है FIR लॉज करवाई। FIR लॉज होने के बाद में जो है पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी, 2 धाराएँ लगी हुई उनके ऊपर, 306। हम बार बार पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं थाने में जाके ना, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम चाहते हैं SP साहब से मिल के जो है कोई कार्रवाई हो, ठोस कार्रवाई, और दोषियों को सज़ा मिले और उनको अरेस्ट किया जाए।